बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की जुबान का कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी उनको धोखा दे सकती है ये जुबान, और उनको सोचना पड़ता है कि आखिर वो कह क्या गए। ऐसा ही कुछ दिखा जब वो स्थानीय कार्यकर्ताओं को राजनीति के गुर सिखाने पहुंचे यूपी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत ही उन्होंने अपने अटपटे बयानों से कर डाली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी या तो वाकई इतने भोले हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, या फिर उनको बयानों से विवादों में आना अच्छा लगता है। नितिन गडकरी इस बार बोल रहे थे भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर में, और अहिंसा का उपदेश देने वाले बुद्ध के धाम में भी नितिन गडकरी अपनी भाषा पर लगाम नहीं लगा पाए। मौका था बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक का। पार्टी के प्रदेश और देश के दिग्गज नेता स्थानीय नेताओं को राजनीति के गुर सिखा रहे थे, लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के हाथ में माइक आया तो जुबान हमेशा की तरह फिसल गई। पता नहीं नितिन गडकरी क्या कहना चाहते थे, लेकिन कह गए कि बीजेपी ऑर्केस्ट्रा है और वो उसके मालिक। हमने सबने मिलकर काम करने की पद्धति को विकसित किया है। अब कोई तो भी ऑर्केस्ट्रा में एक व्यक्ति रहता है जो खड़ा रहता है, गाता भी नहीं बजाता भी नहीं, वो हाथ हिलाते रहता है, ऐसा ऐसा करते रहता है। आप देखिए वो कुछ नहीं करता, उसके इशारों पर संगीत बजते रहता है, गाना चलते रहता है। और तो और नितिन गडकरी रॉ में कांग्रेस अध्यक्ष शाह और सीएम मायावती पर भी अजीबोगरीब बयान देते चले गए। अध्यक्ष का अर्थ होता है सभी लोगों में वो पहला है। हमारा अध्यक्ष ने सोनिया गांधी और मायावती वाली पार्टी नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी नहीं है, ये प्रोप्राइटरी कंसर्न भी नहीं है, ये प्रोप्राइटरी कंसर्न है, एक एक व्यक्ति मालिक है। एक सोनिया गांधी आदेश देती है, बाकी सब नौकर आदेश पर काम करते हैं, उनको कोई कीमत नहीं। गडकरी ये भूल गए कि उनकी पार्टी की वर्तमान विधानसभा में कितनी सीटें हैं, और अति आत्मविश्वास में बोल गए कि उनकी पार्टी केवल जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी टिकट जो चुनाव जीत सकता है, कार्यकर्ता जिसके साथ में, उसी को ही टिकट मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। गडकरी को अपने बयान वाकई इतने समझदारी से भरे लग रहे थे कि उन्होंने दूसरे के बयानों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अपने अजीबोगरीब बयानों को दरकिनार कर यूपी की राजधानी लखनऊ में उन्होंने दिग्गी राजा को उनके बयानों के लिए कोसना शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह पे और जरा छोड़ दीजिए उनको, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, संतुलन बिगड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अन्ना हजारे ने उनके बारे में जो कॉमेंट्स की थी वो सच है, उनको स्वास्थ्य के लिए थोड़ा आराम की जरूरत है, इसलिए उनका जो दिमाग है वो ठीक से काम नहीं करता। आप भी सीरियसली मत लीजिए, हम भी सीरियसली। ये बैठक पार्टी के स्थानीय स्तर के नेताओं को राजनीति के गुर सिखाने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन गडकरी जी ये क्या किया आपने? अगर ये गुर सीख कर स्थानीय स्तर के नेता कभी भी और कुछ भी बोलने लगे तो पार्टी का आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होगा? कुशीनगर से संतोष कुमार के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24।